बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ इस वक्त माशरे में अगर किसी पर भरोसा किया जाए तो उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ सकती है, ये कोई नहीं जानता। बिकॉज़ कभी कभी हमारा भरोसा इस कदर तोड़ दिया जाता है, हमें इतनी महंगी कीमत अदा करनी पड़ती है, अपनी इज्जत नफ्स दाव पर लगानी पड़ जाती है। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे वाकयात सुनने को मिलते रहते हैं कि दोस्त ने दोस्त अपनी किसी दोस्त के साथ ऐसा कर दिया, एक लड़की ने किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा कर दिया, लड़के ने ही लड़कों को फंसा दिया, या लड़के ने लड़की के साथ कुछ ऐसा कर दिया। ये वाकयात सुनने को मिलते रहते हैं। एक वाकया जो कि फैसलाबाद में पेश आया, जिसकी 2-3 दिन से बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, मोस्टली अकाउंट्स पे, टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी बहुत से अकाउंट्स पर एक लड़की की वीडियोस वायरल की जा रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की जिसके बाल काट दिए गए हैं, जिससे जुबान से जूते चटवाए गए हैं, जुबान जूतों को लगवाई गई है, जिसकी आंखों के बाल काट दिए गए हैं, बम्बे उसकी जो है वो रेजर से ख़त्म कर दी गई हैं। ये फैसलाबाद का वाक़ है। फैसलाबाद की शेख दानिश, जो कि मारूफ बिजनेसमैन है फैसलाबाद के, उनकी बेटी अना शेख, जिसकी क्लास फेलो थी खतीजा, और ये सारा वाकया एक खतीजा नामी लड़की के साथ पेश आया है, जो कि मेडिकल लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी। अना शेख की क्लास फेलो थी, अना शेख उसकी दोस्त थी। अना शेख के वालिद शेख दानिश को वो लड़की पसंद आ गई, जिन्होंने उस लड़की के घर रिश्ता भेजा। रिश्ते के लिए कहा, इनकार करने पर लड़की को इतनी महंगी कीमत अदा करनी पड़ गई। 9 अगस्त को शेख दानिश अपने कुछ बंदों के साथ उस लड़की के घर पे गए, जो कि सरगोधा रोड की रिहायशी थी। उस लड़की के घर गए हैं, उस लड़की का भाई हसन, जो कि इंग्लैंड से आया हुआ था, उसे भी मारा है उन्होंने, और लड़की को अगवा करके ले आए हैं। लड़की को अपने घर ला के उस पर तशद्दुद किया है, उसे मारा है, उसके सर के बाल काट दिए गए, और उससे कहा गया है अपनी जुबान से जूते चाटो, और उससे जुबान से जूते चटवाए गए हैं। और उसमें कुछ जूते जो कि ऊपर ये आपको तस्वीर में साथ नज़र आ रहे होंगे, इसमें वाइट कलर के शूज़, ये अना शेख के हैं, जो कि उसकी एक वीडियो तस्वीर जो कि इंस्टाग्राम पर थी उसमें उसने पहने हुए हैं। ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल की गई हैं। पहले तो वो इन वीडियोस से जस्ट खतीजा को ब्लैकमेल कर रहे थे, उसने शादी से इनकार किया था, इसकी वजह से उसे मारा गया, उसकी वीडियोस बनाई गई, और ये बहुत ही अफसोस का वाकया था। एक दोस्त ने अपनी दोस्त के साथ ऐसा करवाया, अपने बाप के लिए, जो कि एक मारूफ बिजनेसमैन, जिसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था, अपने ताल्लुकात पर बहुत घमंड था, जाहिर सी बात है एक बिजनेसमैन था, पैसा अच्छा खासा था, ताल्लुकात भी उसने अच्छे खासे बनाए हुए थे सियासी बंदों के साथ, बिजनेसमैन्स के साथ, जिसे इन चीज़ों का बहुत गरूर था। शायद उसे लगा होगा कि मैं किसी लड़की के साथ कुछ भी कर दूंगा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, मैं अपने पैसे से बच जाऊंगा। पहले तो वो उस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा, मगर फिर उसने उस लड़की की वीडियोज़ वायरल कर दी। ये वीडियोस उड़ते उड़ते कहीं से फैसलाबाद पुलिस के पास भी पहुंच ही जानी थी, और उस लड़की की शायद बुरी किस्मत के बाद ये कुछ अच्छा था कि सीपीओ ने फौरन एक्शन ले लिया। एक्शन लेने के बाद उन्होंने अपने जराए इस कदर दौड़ाए कि 2 घंटे के अंदर अंदर उनकी गिरफ्तारियां भी हो गई। शेख दानिश के साथ साथ और बंदे भी गिरफ्तार किए गए, शेख दानिश की बीवी को भी गिरफ्तार किया गया। अना शेख जो कि इस वक्त मंजर से गायब है, अना शेख गिरफ्तार नहीं हुई अभी तक, पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और इसमें खतीजा जो कि अब जिसे उसके घर से उठाकर लेके आए, उसके पास 2 मोबाइल थे, दोनों आईफोन उसके जब्त कर लिए गए। उसने कुछ जेवरात पहने हुए थे जो मेरे ख्याल में 4-4.5 लाख रुपए के थे, वो भी जब्त कर लिए गए। और कुछ उसके पास पैसे थे, कम से कम 5 लाख मेरे ख्याल में थे, जो कि उसका भाई इंग्लैंड से आया था, उसने उसे दिए थे, बिकॉज वो मेडिकल लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी, कुछ फीसिस वगैरह खर्चे वगैरह का था, पैसे वो भी उससे ले लिए गए और मारा उसे अलग से गया। क्या इस मुआशरे में एक लड़की को ये हक नहीं था? क्या इस मुआशरे में एक मर्द इस हद तक गिर सकता है? और वो लड़की जो उसकी बीवी थी या उसकी बेटी थी,
उन्होंने एक दफ़ा नहीं सोचा कि जिसे हम मार रहे हैं, जिस पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिससे हम इस कदर घटिया हरकत करवा रहे हैं, वो भी एक लड़की है। और वीडियो में मसलसल एक औरत कह रही है कि अना से माफ़ी मांगो। वो अना से किस चीज़ की माफ़ी मांगती? इस चीज़ की कि अना तुमने बहुत अच्छा सिला दिया मुझे दोस्ती का, या इस चीज़ की कि अना तुमने मेरी बहुत इज्जत की अपने घर पे, मुझे इस तरह उठवा के ले आई, या जो कुछ भी करवाया। खैर, पुलिस ने एक अच्छा कदम उठाया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अब कानून नाफज करने वाले अदारों को और अदालतों को चाहिए कि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। खतीजा जैसी बहुत सी लड़कियां अपनी इज्जत नफ्स ना गंवाएं, खतीजा जैसी बहुत सी लड़कियां अपने आप को बचा सकें, किसी का शिकार ना हो सकें, किसी दरिंदे के हाथों ना लग सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।